गुड इवनिंग स्टूडेंट्स केमिति अच्छा आशा करुछि तुम माने समस्ते भल रे थिवो। डेली ओडिया स्टडी चैनल तरफ स्वागत करुछि मु रंजन। सो फ्रेंड्स यदि प्रथम करी एही चैनल टी को देखुछंती निश्चित भाव रे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थुआ बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जेते बडे आमे परवर्ती वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे लेटेस्ट वीडियो टी को पाई परिबे। ठीक अछि, आज आमे सप्तम श्रेणी रो साहित्य सौरभ पुस्तक टी रु रामायण कथा विषय टी को जानि पाओ। एही विषय टी को लेखिचंती लेखक मधुसूदन राव। हला पिला माने देख पिला माने तुम्हें रामायण कथा टीवी रे देखि थिबो, रेडियो रे मध्य सुनी थिबो, पौराणिक नाटक माध्यम रे मध्य जानि थिबो हनै पिला माने, किंतु आज आमे एही विषय टी रु रामायण कथा जानिबा। हला पिला माने प्रथमे आमे लेखकक विषय रे जानिबा। मधुसूदन राव पिला माने जदि तुम्हें देखिन ताहले एही छविटी को देख, ये होछंती हमर मधुसूदन राव। हला देख जहा कि आमे भक्त कवि मधुसूदन राव बोली आमे कहि थाउ नै पिला माने। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जने प्रमुख स्रष्टा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, बौद्धिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करी छंती। कविता बड़ी, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक। तांको रचित वर्णवध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित एही लेखारे समग्र रामायणर कथा खूब संक्षेपरे वर्णित होईछि। हला पिला माने ठीक अछि, वर्तमान में रामायण कथा विषय रे पढ़िबा एवं जानिबा। हला पिला माने देख भारत वर्ष रे अयोध्या नाम रे गोटे नगरी अछि। सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जने राजा थिले। ताहांकर तीनी रानी थिले कौशल्या, कैकेयी ओ सुमित्रा। ज्येष्ठ रानी कौशल्यां पुत्र रामचंद्र, मध्यमा रानी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा रानी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पाई संकल्प कले। रामंकु राजा करिबा पाई नाना आयोजन हेबाकू लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखी प्रजा माने तांको प्रति अनुरूप्त थिले। सुतराम ताहांकर अभिषेकोत्सव बाल्य प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। एही समय रे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्यु मुखकु रक्षा करिथिले। सेतेबेले राजा ताहांको प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी बर देवे बोली अंगीकार करिथिले, किंतु कैकेयी आजि जाए कोनोसी बर मागी नथिले। राम राजा हेबे एकथा सुनी मंथरा नाम रे जने दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर बर मागी बसिले। गोटिए बर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपरबर एही जे राम चतुर्दश वर्ष निमित्त वन को निवासित हुअन्तु। दशरथ अत्यंत सत्यापरणीय थिले, से केबे हैं सत्यभंग करि नथिले। से पूर्वे दुईटी बर देवे बोली अंगीकार करिथिले, वर्तमान ताहा लंघन करि न पारिले। सुतराम रामंकु वनगमन करिबाकू हेला। राज्यर समस्त लोक एही संवादरे हाहाकार करिबाकू लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रड़ उठिला। राम मिथिला राज्यर अधिपति जनकंकर कन्या परमा सुंदरी सीतांकु विवाह करिथिले। राम वन जीवे सुनी सीता एवं लक्ष्मण ताहांक संगरे जीवा पई प्रार्थना कले। से बारंबार बारण कले हैं सेमाने तांको संगरे वन को प्रस्थान कले। प्रियतम पुत्र रामंकर वनवास कष्ट कथा भाड़ी भाड़ी दशरथ प्राणत्याग कले। भरत ए समय रे मातृलालय रे थिले। रामंकर वनवास संवाद पाई से अयोध्या को आसी देखिले जे गभीर शकर छाया अयोध्या को अंधकारमय करी रखी अछि। व्यथित चितरे भरत रामंकु गृह को लेउटाई आनिबा निमंते वन को गमन कले। चित्रकूट पर्वत रे उपस्थित होई भरत देखिले जे राम सेठारे राज्यवेश त्याग करी ऋषि कुमार मानंक परी दीन भाव रे जीवन यापन करू अछंती। भरत रामंकर चरण धरी गृह को लेउटिबा निमंत व्याकुल भाव रे बारंबार प्रार्थना कले, किंतु राम कौनसी प्रकार सम्मत न होई पितांकर अंगीकार पालन करने निमित्त वनरे रहिले एवं भरतंकु नाना प्रकार बुझाई अयोध्या को फटाई देले। निर्लोभ और निस्वार्थ भातृभक्त भरत अयोध्या को फेरी आसी रामंकर पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी रामंकर दासप्राय राज्यकार्य निर्वाह करबाकू लागिले एवं रामंक परी राज्यभोग परित्याग करी बलकड़ बसन परिधान और फलमूलाहार करी जीवन यापन कले। ताहांकर एही प्रकार स्वार्थ त्याग और वैराग्य देखि समस्ते विस्मयान्वित होई धन्य धन्य कहवाकू लागिले। तदंतर रामचंद्र पंचवटी वन को गमन करी सेठारे वास कले। राम और सीता राजपुत्र और राजकन्या हेले हैं सेमानकर परस्परस मध्यरे एपरि स्नेह थिला जे सेमाने वनवास कष्ट को कष्ट बोली मणि नथिले। पंचवाटी रे किछि दिन वास कला उतारू दिने राम और लक्ष्मण मृगायर्थ वन को जाइतिबा समय रे लंकार राजा रावण आसी सीतांकु हरण करी नै गला। दुर्मति रावण सीतांकु ताहार राणी करिबा निमन्ते प्रलोभन देखाई नाना प्रकार चेष्टा करिथिला, किंतु महासती सीता तार प्रलोभन रे भूली नथिले। तहु निष्ठुर रावण तांकु बहु कष्ट देला, किंतु सीता कोनसी प्रकार रे ताहार अनुगता हेले नाही। केवल रामंकु सर्वदा ध्यान करी सही क्षण राक्षसपुरी रे दिन जापन करूथिले। रामचंद्र मृगायरु फेरी आसी सीतांकु देखिबाकु न पाई सकरे अधीर होई नाना स्थान रे ताहांकर अनुसंधान करिबाकु लागिले, किंतु ताहाकु न पाइबारु किष्किंधियार राजा सुग्रीवंक संगरे मित्रता करी ताहांकर अनुचर मानंकु सीतांकर अनुसंधानार्थ देश देशांतर को पठाइले। सुग्रीवंकर अनुचर वीर हनुमान लंका द्वीपरे सीतांकर थिबार संवाद आनी रामंकु प्रदान कले। सुग्रीव और ताहांकर अनुचर मानंकु घेनी राम और लक्ष्मण सेतु द्वारा समुद्र पार होई चारु हर्म्यशालिनी उपवन सभ्यता लंकापुरी को अवरोध कले। रामंकर सहित रावणर भीषण समर हेला। एही रणरे रावणर विख्यात वीरपुत्र इंद्रजीत प्रभृति महावीर माने विनिष्ट हेले। परिशेष रावण मध्य रामंक शररे विनाश प्राप्त हेला। सती सीतांकर नयन बारी कालानल प्राय लंकापुरी को भस्म करी देला। राम और लक्ष्मण सीतांको घेनी अयोध्या प्रत्यागमन कले। सेमानंक प्रत्यागमन रे पूर्ववासी माने आनंद उत्सव करिबाकू लागिले। भरत ओ शत्रुघ्न महानंदरे राम सीतांकु अभ्यर्थना करी गृह को घेनी गले। कौशल्या और सुमित्रांकर चक्षु आनंदरे अश्रु वर्षण करिबाकु लागिला। ककेई रामंक प्रति निजर दुर्व्यवहार विषय स्मरण करी लज्जित होई रहिथिले। राम से समस्त भूली जाई ताहांको पाद वंदना करी यथोचित भक्ति प्रकाश कले। राम राज्यभार ग्रहण करी प्रजा मानंकु परम सुखरे पालन कले। एहीपरि किछि दिन गत हेला। उतारु दिने राम सुनिले जे सीता देवी रावण ग्रहरे थिले बोली प्रजा माने ताहांकर निंदा करूअछंती। एही कथा सुनी राम अत्यंत व्यथित हेले। से जानिथिले जे सीतांकर चरित्र निष्कलंक अटे, तथापि प्रजारंजन करिबा राजार धर्म। यह विचारी से निजर सुख शांति विसर्जन करी अंतःसत्त्वा सीता को वर्जन कले। लक्ष्मण भ्रातांकर आदेश रे सीता को संगरे घेनी महर्षि वाल्मीकि तपोवन रे रखी आसिले। महर्षि सीता को निज कन्यातुल्य स्नेह रे पालन कले। वाल्मीकि मुनि आश्रम रे सीतांकर जमज पुत्र जात हेले। वाल्मीकि यही दुई शिशु को कुश और लव नाम देले। सेमानंकु धनुर्विद्या और राजधर्म विषय रे सिखाई से राम और सीता विषय रे महाकाव्य रचना करी सेमानंकु ताहा गायबाकु सिखाइले। तदनंतर रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करिबाकु संकल्प कले। धर्मपत्नी बिना यही यज्ञ साधित हुए नहीं बोली ताहांकर पात्र मित्र माने द्वितीय बार विवाह करिबा निमित्त बारंबार अनुरोध करिथिले। तो रामचंद्र द्वितीय दार परिग्रहण करी सीतांकर सुन्नमयी मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ कले। देश देशांतरू मुनि ऋषि माने आमंत्रित होई यज्ञ स्थान को आगमन कले। महर्षि वाल्मीकि मध्य निमंत्रित होई कुश और लवं को घेनी यज्ञ स्थान रे उपस्थित हेले। महर्षि वाल्मीकि आदेश मते कुश और लव यज्ञ स्थान रे रामायण गान करबाकू लागिले। सेमानंकर मधुर गान शुणी समस्ते मोहित होई गले। सेमानंकर आवृत्ति रे राम सीतांकर रूप सादृश्य देखी राम और लक्ष्मण विस्मित होई वाल्मीकिंकु सेमानंकर परिचय पचारिले। महर्षिंक ठारू सीतांकर समस्त संवाद पाई राम सीतांकु आनिबा निमित्त आदेश कले। सीता रामंकर आह्वान वार्ता शुणी आनंदित होई यज्ञ स्थान को आसिले। वाल्मीकि सीतांकु सभा मध्य को घेनी गले। सीता भक्तिपूर्ण अंतर रे रामंकर चरण वंदना करी दंडायमान रहिले। ताहांकर शिरीष कमल सुकुमार तनु चिंतारे शुष्क ओ कृश होई अछि देखि रामंकर हृदय विचलित हेला। वाल्मीकि सभा मध्य रे दंडायमान होई गंभीर भाव रे कहिले, सीता देवी परमा सती रामचंद्र ताहांकु पुनर्ग्रहण करिबाकू प्रस्तुत अछंती। पूर्ववासी माने ए विषय रे अनुमति दियंतु। वाल्मीकिंकर कथा सुनी साधु व्यक्ति माने तथास्तु बोली कहिले, किंतु अविश्वासी कुटीर प्रकृतरे लोकमाने कोनसी उत्तर देले नाही। सीता देवी खळ लोकंकर अविश्वास रे अत्यंत मर्माहत मूर्छिता होई उतळरे बाताहत कदळी वृक्ष प्राय पड़ी गले एवं सहसा प्राणत्याग कले। एथि उतारे श्रीराम घर दुखरे किछि काल संसार रे रही मानव लीला संवरण कले। हेला पिला माने निश्चय तुमे माने एही विषयटी को सुनी पारिथिबो एवं रामायण कथा मध्ये जानि पारिथिबो। तुमे माने टीवी रे देखिथिबो आरंभ रु शेष पर्यंत, किंतु एही छोट विषयटी रे से मध्ये आलोचना करी दैछंती। हनै पिला माने ठीक अच्छे ताले आज ये पुणी देखा परवर्ती अध्याय। टेक केयर, बाय बाय, रोची नमस्कार।